किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज हमारा धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है और हमारे एक साथी हैं इमिनेंट प्लस ऑपरेटर किशन चौधरी जी, उनका अनशन का दूसरा दिन है। दूसरे दो दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको SMS में भर्ती कराया। उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका अनशन अभी जारी है। दूसरा हमारा साथी है, वो गर्मी को देखते हुए और SMS में भर्ती है आज की डेट में भी, लेकिन सरकार से अभी कोई प्रतिक्रिया जारी हमसे मिलने के लिए नहीं तरीके से हो रही है। बस एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप मिलो, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई डेलीगेशन मिलने के लिए नहीं आया है। ये मैं और जो हमारे साथी हैं सभी आने की संख्या में हमारा तुलवा बढ़ता जा रहा है। सरकार को घेरने की हम पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक राजस्थान सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं। चाहे हम सभी साथियों को भूख हड़ताल अन्य जल्द क्यों न त्यागना पड़े, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार जो ई मित्र संचालक और ई मित्र प्लस ऑपरेटरों के माध्यम से अपनी योजनाओं को अवगत कराती है, इनका शोषण और इनका गला क्यों घोंट रही है। इस अत्याचार को राजस्थान सरकार बंद करे और जो राजस्थान सरकार राजस्थान को अव्वल योजनाओं में बनाने की लगी हुई है, उसका सपना साकार नहीं हो पाएगा हमारे बिना, अधूरा रह जाएगा। मैं गहलोत सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप इन 11,000 नियमित संचालकों के परिवार के बारे में सोचो, ये आपके बारे में 2023 में सोचेंगे। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ, क्योंकि हम लोग 2014 से 8 वर्षों से राजीव गांधी सेवा केंद्र पर काम कर रहे हैं और वो काम ऐसा कर रहे हैं कि उसमें दो भला हो रहा है, एक तो आम जनता का और एक राजस्थान सरकार का। लेकिन गला किसका उठ रहा है आप दोनों के बीच में? नियमित संचालक का। मैं राजस्थान सरकार से अवगत फिर भी करवाना चाहता हूँ, इनका गला मत, इनको तो एक एक डोज और लगवा दो जिससे ये हिंदुस्तान से और अपनी धरती से अपने जीवन यापन से मुक्त हो जाए, क्योंकि हमें पीड़ा झेलने का शौक नहीं है। हमारे पास इतना शौक नहीं है क्योंकि आपने महंगाई, आप लोगों ने इतनी पेट्रोल डीजल की कर दी है, हर तरफ से मारे परिवार के राशन पानी की मांग है। हम एक कमीशन के बेस में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद में आप पेनल्टी हम पे लगा रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा जुर्माना किया है? हम तो आपको डिजिटल राजस्थान का सपना साकार करना चाहते हैं, आपकी हर योजनाओं को हम आपकी हर योजनाएं घर घर तक, गांव गांव, ठाणी ठाणी तक अपडेट करा रहे हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाह रहे हैं और मिलाया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक आपकी सबसे बड़ी योजना थी राजस्थान के अंदर, जिसके सपने को हमने साकार कर दिया और हमारे 3 साथियों ने जान गंवा दी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हम लगातार आपकी सरकार के साथ और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके सपने को साकार कराते हैं, जिसका डंका आप पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में बजा रहे हो कि चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख की बजाय अब 10 लाख का निःशुल्क इलाज कर दिया है। लेकिन आप लोग इन लोगों के बारे में सोचो कि जब आप घर बैठे बेरोजगार लोगों को 3,500 और 4,000 रुपये दे रहे हो, तो जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लोग, जो सोशल मीडिया के विभाग के लोग, जो आपकी योजनाओं को धरातल पे प्लेटफॉर्म को गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी सरकार को दोबारा रिपीट करने के लिए पूरी ताकत भी लगा रही है, लेकिन उनके जीवन से, आप उनके भविष्य से, उनके परिवार के भविष्य से, उनके बच्चों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा हमने क्या बेगुना किया? आप उनको 4,000 दे सकते हो क्या? हमारी इतनी भी इज्जत नहीं है? इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमें आप 2 रुपये नहीं दे रहे हो, ऊपर में इतना शोषण कर रहे हो कि हम पे पेनल्टी लगा रहे हो। श्रीमान जी, अगर आप देने लायक नहीं है तो पेनल्टी मत लगाओ।
हम किसान के बेटे हैं, ये सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, मुझे पता है मैं कितने दुखी हूँ, मेरा परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है। गिलो साहब, आप एसी पंखाओं में बैठे हो, एक बार ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे जाके देखो उनकी हालत क्या हो रही है, जर्जर हो रही है, रिकॉर्डों में मेंटेन हो रहा है, धरातल पे नेट नहीं हो रहा है। हम लोग अपने इस मोबाइल से ई मित्र प्लस मशीन में हॉटस्पॉट से लगा के डिवाइस को कनेक्ट करके अपनी अटेंडेंस और आपकी पीसी को ग्रामीणों को इकट्ठा करके, आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, सभी लोगों को आपके जो वार्ड पंच होते हैं, आपके प्रतिनिधि होते हैं, उनको हम बिठा के और आपकी पीसी कराते हैं आपके साथ। उसके बाद में भी आप हमें कुछ नहीं देते हो, आप नेट भी नहीं देते हो, और हम आपके पैसे अपना खर्च करके पैसे का आपका नेट अपना नेट जला के और आपकी पीसी का सीधा प्रसारण दिखाते हैं, आपकी जितनी भी योजना उसको प्लेटफॉर्म तक गाँव और। धन्यवाद।